हबू का किचन में आज हम बनाएंगे रेसेदार चिकन सामी कबाब। कबाब तो आपने कई तरह के खाए होंगे, तो एक बार मेरे तरीके से रेसेदार चिकन सामी कबाब बना कर देखिए। आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रेसेदार चिकन सामी कबाब बनाने के लिए कुकर में एक कप चना दाल ऐड करेंगे और इसे हमने 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दिया था। और अब हम इसमें 3 से 4 हरी इलायची ऐड करेंगे, 8 से 10 मरीदाना, आधा छोटा चम्मच शाही जीरा, 1 चक्रीफुल, 2 तेज पत्ता, 8 से 10 लहसुन की कलियां, 3 छोटे टुकड़े अदरक, 3 से 4 हरी मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स और 200 ग्राम बोनलेस चिकन ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे ढककर 3 से 4 विसल आने तक कुक करेंगे। तो देखिए 3 से 4 विसल आने तक हमने इसे कुक कर लिया है। दाल और चिकन अच्छी तरह से कुक हो गया है, तो अब हम इसमें से चिकन के पीस निकाल लेंगे और इसे ठंडा करके श्रेड कर लेंगे। ये जो तेज पत्ता है उसे भी हम निकाल लेंगे। तो देखिए दाल में अभी भी थोड़ा मॉइस्चर बाकी रह गया है, तो हम क्या करेंगे कि इसे हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से भूनकर बिल्कुल ही ड्राई कर लेंगे। और ड्राई कर लेने के बाद इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे और इसे मिक्सी जार में निकालकर बारीक पीस लेंगे। तो देखिए दाल को हमने ठंडा करके बारीक पीस लिया है और अब हम इसमें श्रेड किया हुआ चिकन ऐड करेंगे। और अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे, आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच मरी पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। अब हम सारे मसाले को चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसके कबाब बनाएंगे। हाथों में ऑयल लगाएंगे और थोड़ा सा कबाब का मिक्सर लेकर मीडियम साइज के कबाब बनाएंगे। आप अपनी पसंद के छोटी या बड़ी साइज में कबाब बना सकते हैं और इसी तरह से सारे कबाब बनाकर रेडी कर लेंगे। कबाब को फ्राई करने के लिए ऑयल को गर्म कर लेंगे। अब 1 अंडे में 1 चुटकी नमक ऐड करके अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब कबाब को अंडे में डीप करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। कबाब ऐड करने के बाद मीडियम फ्लेम पर एक साइड 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। एक साइड फ्राई करने के बाद इसे टर्न कर लेंगे और दूसरी साइड मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और इसी तरह से दोनों साइड अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक मीडियम फ्लेम पर कबाब को फ्राई करेंगे। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से हमने रेसेदार चिकन शामी कबाब बनाकर रेडी कर लिया है। तो इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।